अंसल बिल्डर्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में केस को कायम रखा। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराते हुए अंसल बिल्डर्स के खिलाफ केस को बरकरार रखा है। सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट को कई सबूत मिले हैं जिसके तहत उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। वायु प्रदूषण के चलते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दिल्ली नहीं है पहली पसंद। दिल्ली में आए दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिसके कारण सीनियर सिटीजन एवं रिटायर्ड लोगों के लिए दिल्ली नहीं है उनकी पहली पसंद। जिस तेजी से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है उसके चलते लोग अब छोटे शहरों में निवेश करना पसंद करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो लोग अब शहर की चकाचौंध को छोड़ छोटे शहरों में बसना चाहते हैं। गवर्नमेंट की पहल से क्या गुरुग्राम और मानेसर में बदलाव आएगा? प्रोजेक्ट में देरी और नोटबंदी के चलते प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काफी देरी आ गई है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह निर्णय लिया है कि गुरुग्राम की स्थिति को सुधारा जाएगा नए सुरंग एवं नए मेट्रो रूट्स के द्वारा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आयोजन किया गया है जो कि पूरी योजना बनाएगा। यमुना अथॉरिटी भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक बस्ती बन गई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक बस्ती बन चुकी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना अथॉरिटी का मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी दे दी थी जिसके तहत यमुना अथॉरिटी के पास अब दो नए अर्बन नोड्स होंगे जिनमें से एक में औद्योगिक क्षेत्र होगा और दूसरा हेरिटेज सिटी होगा जो टूरिज्म को बढ़ावा दे। पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान MS धोनी को ऐलान ग्रुप ने 1.5 करोड़ का घर तोहफे में दिया। ऐलान ग्रुप ने पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी को द्वारका एक्सप्रेसवे में स्थित अपने प्रोजेक्ट में 1.5 करोड़ का घर तोहफे में दिया है। गुरुग्राम में बसे ऐलान ग्रुप ने यह फैसला लिया है कि अपने प्रोजेक्ट में वो एक मंजिला केवल खिलाड़ियों के लिए बनवाएंगे। ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम सेक्टर 84 में स्थित है और करीबन 1000 वर्ग फुट का घर उन्हें इनाम में दिया है।